सब्सक्राइब कीजिए मॉइल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल, इट्स मॉइल प्लेसमेंट सर्विसेज एंड वी आर अ फ्री जॉब्स प्रोवाइडर। दोस्तों, हर किसी का मन करता है वर्क फ्रॉम होम की जॉब, आजकल डिमांड में है। जब से कोविड आया है तब से, तो 2019 से तो वर्क फ्रॉम होम की इतनी डिमांड है मार्केट में कि हर किसी को चाहिए, हर दूसरे कैंडिडेट को वर्क फ्रॉम होम चाहिए। आज आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी लेके आया हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो हमारे चैनल में न्यू आए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे मैं बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है, जो जॉब वैकेंसी मिलती है, या जो भी आपको हम वीडियो शेयर करते हैं, जो भी हमारे पास जॉब वैकेंसी है, वो सारी जेन्युइन होती है। पहले हमारा कंपनी से टाई अप्स होते हैं, उसके बाद हम आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वैकेंसी है, इसमें टोटली वर्क फ्रॉम होम की हमारे पास प्रोफाइल रहने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक वर्क फ्रॉम होम के लिए हमारे पास अप्लाई किया है, वो भी इस वीडियो को देखें और उनको भी शेयर करें जो वर्क फ्रॉम होम की जॉब को चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या हमें किस टाइप का कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, क्या वैकेंसी रहेगी और कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई के लिए मैं आपको ईमेल आईडी भी दे दूंगा, साथ ही साथ नंबर भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, पूरा कंटेंट देखना है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स हमें ऐसे कॉल करते हैं जो क्राइटेरिया में फिट नहीं होते और फिर भी कॉल करते हैं, तो वहां पे उन्हें अपने आप से ही हमें रिजेक्ट करना पड़ता है या फिर उनको किसी दूसरी प्रोफाइल के लिए बताना पड़ता है। तो पहले वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद अप्लाई करें, तो वहां पे आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका भी टाइम सेव होगा और हमारी टीम, जो हमारी रिक्रूटर्स है, उनका भी टाइम सेव होगा, वो किसी और की कॉल पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारे पास वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी रहने वाली है, इसमें सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है लैपटॉप। अब आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको अपना पीसी, अपना लैपटॉप प्रोवाइड करेगी, जिसमें उनकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जो भी उनका सॉफ्टवेयर होगा वो डाउनलोड होगा, और आप उसमें केवल और केवल कंपनी का ही काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपको अपना वाईफाई जरूर लगवाना पड़ेगा। विदाउट वाईफाई आप वर्क नहीं कर सकते। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करने की सोचोगे तो वो उतनी स्पीड जो आपको वहां पे रिक्वायर्ड है, जो सॉफ्टवेयर के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड है, वो नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज है कि आपको अपना वाईफाई इंटरनेट जरूर लगाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि ये प्रोफाइल एग्जैक्ट है क्या। दोस्तों, ये है प्रोफाइल टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे टोटली जो वर्क होगा वो होगा टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का। हम बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता क्या है। जैसे वर्ड से ही आप देख रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मतलब टेक्निकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपने सपोर्ट करना है कंपनी को या फिर अपने क्लाइंट्स को, जिनको आप हैंडओवर कर रहे हो, जिनके आप वर्क पे काम कर रहे हो, उनको आपने टेक्निकल से रिलेटेड जो भी इश्यू आ रहा है वो सॉल्व करना है। वो आपने टोटली आपने बेस्ट पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना है, वो आपने कॉल पे सॉल्व करना है या फिर उनका सिस्टम एक्सेस करके वो सॉल्व करना है, वो मैं पूरी वीडियो आपको बताऊंगा। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अप्लाई करने के भी मैं सारे आपको तरीके बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करेंगे इसमें। अब मैं बात करता हूं कि आपको नॉलेज क्या रहने वाली, नॉलेज क्या होनी चाहिए जो मैंडेटरी है इस प्रोडक्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या मैंडेटरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये बेसिक नॉलेज जो आपने अब छोटे में पढ़ा होगा कि भाई ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ से प्रोसेसिंग होता है, इन सब का बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में ये नहीं कि आपको स्क्रीन की नॉलेज है, सीपीयू की नॉलेज है, बार बार से लैपटॉप कंप्यूटर और वो माउस वगैरह की इसकी नॉलेज नहीं, थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रोसेसर के अंदर का पता होना चाहिए क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, कैसे आप ये काम करता है, थोड़ा बहुत आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू का पता होना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई एंटीवायरस आपने अपडेट किया हुआ है, कोई एंटीवायरस डाउनलोड कर रखा है सिस्टम में, वो वर्किंग है, तो एट ए टाइम आप कोई सॉफ्टवेयर उसमें डालते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो वो आपको रोक देता है वहां पे, उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले एंटीवायरस को आपको डिसेबल करना पड़ता है, इनेबल से डिसेबल करना पड़ता है, उसके बाद आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंटीवायरस की आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एंटीवायरस डिसेबल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे हटाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे आपने
रैम वगैरह अपडेट करते हैं, तो ये सब चीजों की आपकी नॉलेज होनी मैंडेटरी है यहाँ पे इस प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों कि नेटवर्किंग, थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपसे हो सकता है कॉल पे पूछ ले कि भाई मेरे सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा है, अब मैं क्या करूं। तो आपने उसका सिस्टम अपग्रेड करना है, उसको चेक करना है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आप अपने सिस्टम पे भी करते हो, जब आपका नेट नहीं चलता है, हो सकता है आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया हो, या आपका जो इंटरनेट का जो कम्युनिकेशन है, जो माध्यम है उसके बीच का, वो प्रॉपर कनेक्ट ना हो रखा हो, या हो सकता है आपके राउटर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो आपने, अगर सिस्टम की प्रॉब्लम है तो वो आपने चेक कर रही है। अगर इंटरनेट नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है तो वो तो आप जो इंटरनेट का बंदा है वो करेगा, लेकिन जो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम वो आपने सॉल्व करनी है। दोस्तों ये थी कुछ हमारे पास जो स्किल्स वहां पे रिक्वायर्ड है वर्क फ्रॉम होम के लिए। दोस्तों ये आप सीख भी सकते हो कुछ ही टाइम में, इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि ये बेसिक्स आप बचपन से सीखते आ रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी क्या सैलरी प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रही है, 20,000 इन हैंड टू 28,000 इन हैंड, मतलब 20,000 से 28,000 के बीच सैलरी आपकी रहेगी। वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, वो आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, आपको क्या प्रोडक्ट नॉलेज है वो सारा उस पर डिपेंड करेगा। आइए मैं बात करता हूँ कि क्या सीटीसी रहेगा। अगर आप दोस्तों 20,000 इन हैंड सैलरी अगर आपकी होगी, तो आपका सीटीसी रहेगा 24,000 अराउंड, मतलब 4,000 का आपका गैप रहेगा, आपका सीटीसी रहेगा, जिसमें आपका पीएफ ईएसआई वगैरह सब डिडक्ट होगा। तो दोस्तों 20 to 28,000 अगर आपका इन हैंड 28 रहता है, तो 32 अराउंड आपका सीटीसी रहने वाला है, इसमें आपका सारा पीएफआई वगैरह डिडक्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो कंपनी प्रोवाइडिंग वेरी गुड सैलरी, जो आपके टोटली डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर कि क्या वो आपको ऑफर करते हैं इंटरव्यू टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, पहले मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस की। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको नॉलेज है, आपको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही इजी रहेगा आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको वहां पे अपना नॉलेज दिखाना पड़ेगा कि आपको एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरह नॉलेज है। मतलब जब आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इनसे ही रिलेटेड रहेगा। तो आपको वहां पे आपको डिजर्व करना पड़ेगा उस जॉब के लिए, कि आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, आपको उतनी नॉलेज है प्रोडक्ट की या नहीं है, वो सब वो चेक करेंगे इंटरव्यू। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो और आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज है, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पे क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आप 12th पास हो, 10th पास बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, दोबारा बोल रहा हूं, 10th पास बिल्कुल भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप 12th पास हो, आपके पास अपनी 12th की मार्कशीट है, तो आप इसमें इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। और अगर आप बीसीए एमसीए, ध्यान से सुनना दोस्तों, बीसीए एमसीए पीजी डीसीए, और आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल्स अच्छा कोर्स कर रखा है, कोई डिग्री ले रखी है, जैसे एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, एमएससी सीएस, बीटेक सीएस, बीटेक आईटी, तो इनका यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इनको अच्छी नॉलेज रहती है प्रोडक्ट, तो वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रेशर एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आता है कम्युनिकेशन। दोस्तों क्या होता है, आपको ओवर द कॉल क्लाइंट से डील करना होता है, आपको मेल पे उनकी प्रॉब्लम समझनी होती है, मेल पे उनको रिप्लाई करना होता है, कॉल अगर उनका आता है तो आपको उनको सपोर्ट के लिए उनसे बात करनी होती है। तो कई क्लाइंट्स यहाँ पे इंग्लिश में और कई हिंदी में भी आपसे बात करते हैं, तो आपको इंग्लिश जो आपका कम्युनिकेशन है ना, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन गुड होना मैंडेटरी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन गुड होना यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर किसी का गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई ना करें। तो दोस्तों ये थी हमारे पास वर्क फ्रॉम होम, जिसमें आपको कंपनी कंप्यूटर भी प्रोवाइड कर रही है, लैपटॉप भी प्रोवाइड कर रही है, बस आपको थोड़ा सा वाईफाई का ध्यान रखना है। और इन जितने भी पॉइंट्स है, जब आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हाउ टू अप्लाई, मैं बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको एक ईमेल आईडी भी वीडियो के बीच में दे दूंगा, जहां पे आपको चेक करना है, उस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड करना है। रिज्यूम वही कंसीडर होंगे जिन्होंने अपनी स्किल्स, अगर आप फ्रेशर हो तो अपनी पूरी स्किल्स लिखे,
और प्रोडक्ट के बारे में वहां पे क्लियरली लिखें कि आपको क्या क्या नॉलेज है। ऐसे नहीं कि आपने एक लाइन में लिख दिया आई हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज दैट्स इट, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें रिज्यूम फिल्टर करने होते हैं, नंबर ऑफ रिज्यूम हमारे पास आएंगे, हमें वो क्लाइंट को शेयर करने हैं ताकि वो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके आपका टेलीफोनिक राउंड ले, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले, क्योंकि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो आप ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको रिज्यूम अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर सके। क्योंकि अगर हमारे पास हम रिज्यूम में चेक करेंगे कि क्या आपको प्रोडक्ट नॉलेज है या नहीं, अगर हमको लगता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो हम आपका रिज्यूम शेयर करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा, हम आपसे बात भी करेंगे अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। वहां पे आपको क्लियरली मेंशन करना है अपने पॉइंट्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नॉलेज है, अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको क्या क्या नॉलेज है, नेटवर्किंग का आपको क्या क्या नॉलेज है, वो सारा आपने मेंशन करना है अपने रिज्यूम में, और आपने वो शेयर करना है। मैं आपको ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो आपको वीडियो क्लियरली पूरी देखनी है, और साथ ही साथ आप नंबर पे भी, उसके बाद जब हम आप हमें अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करोगे तो हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी उस प्रोफाइल के लिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो आपके रिज्यूम पे होना मैंडेटरी है, क्योंकि वही रिज्यूम हम फॉरवर्ड करेंगे क्लाइंट को। अभी हमने कुछ रिज्यूम फॉरवर्ड किए थे तो वहां से एक ही चीज आई थी कि क्लाइंट ने डिस्क्राइब करके, कैंडिडेट ने डिस्क्राइब करके नहीं अपनी प्रोफाइल शेयर कर रही क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, तो वहां पे क्लियरली मेंशन एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन या थोड़ा सा पैराग्राफ में हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बताना पड़ेगा उनको कि आपको क्या नॉलेज है, किस प्रोडक्ट की नॉलेज है। तो दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम शेयर करना, जो भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम अपने क्लाइंट को शेयर करेंगे और वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड लेंगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके दो राउंड होने हैं, जो पहला आपका टेक्निक क्लाइंट राउंड होगा, एचआर राउंड, और दूसरा आपका टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी जो हमारे पास वर्क फ्रॉम होम थी, इस पे मैंने बता दिया आपको कैसे कैंडिडेट ने अप्लाई करना है। अब दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है और हम भी नई नई वैकेंसी लेके आते हैं। आप लोगों को जो भी वैकेंसी चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। हमको स्पेशली अपने क्लाइंट से ये चीज लेनी पड़ी, उनसे पूछना पड़ा कि उनको पास कोई ऐसी वैकेंसी है, तो हमारे पास ये वैकेंसी आई है, और ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकता है। दोस्तों वैसे हमारे पास जितनी भी वैकेंसी चल रही हैं आप हमारी चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, हमारे पास वैकेंसी रिपीट होती रहती है, तो इनमें अप्लाई करें। और मिलता हूं दोस्तों फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।